वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज का जो टॉपिक है वो अपना है फर्स्ट एड के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ने HTM के अकेडमी के नाम से एक एप्लीकेशन को डेवलप किया है और एप्लीकेशन के अंदर भी ओनली आपको 200 रुपीज पे करना है और 200 रुपीज में 5 मंथ तक आप वीडियोज को असेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ में आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं और रेगुलर टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हैं। ओनली 200 रुपीज, बहुत कम है, इतना कोई ज्यादा भी नहीं है इतना। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर हमारे जो कोर्सेज में CHO के एग्जाम के बारे में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, NM के एग्जाम के बारे में मिल जाएंगे, GNM या फिर MPWH यानी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के जो एग्जाम है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 200 रुपये आप पे करके जरूर टेस्ट सीरीज को आप खरीद लीजिए। यहाँ पर ज़्यादा इतना कोई कॉस्ट नहीं है, 200 रुपीज़ है, वो भी 5 महीने के लिए। तो चलते हैं अपन, देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो UPCHO के ऊपर आधारित है, यानी कि बात करें अपन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम बात करेंगे आज डॉग बाइट, ठीक है, डॉग बाइट और स्नेक बाइट की। तो यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डॉग बाइट और स्नेक बाइट से। अब हम UPCHO के एग्जाम के अनुसार हम पर डे स्टडी करेंगे। बात कर लेते हैं अपन डॉग बाइट की। तो वैसे भी आप जानते होंगे कि डॉग बाइट यानी कि जो कुत्ते का काटना, उसे कहते हैं अपन कुत्ते के द्वारा काटना। तो ये आपने अमूमन देखा होगा कि कुत्ता काटने के बाद में हमें फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, या फिर स्नेक बाइट, स्नेक बाइट करने के बाद में आपको फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए। तो बात कर लेते अपन, सबसे पहले बात कर लेते अपन डॉग बाइट की। इसके बारे में भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्नेक बाइट के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात कर लेते अपन फर्स्ट डॉग बाइट के बारे में। देखो अगर किसी डॉग ने काट लिया, ठीक है, किसी डॉग ने काट लिया तो हमें क्या करना है, जैसे बाइट बाय डॉग फॉक्स एंड कैट टू ह्यूमन, या तो डॉग के द्वारा काटे या कैट के द्वारा काटे या फिर कोई सुअर या कोई एनिमल के द्वारा काटे, ठीक है, तो हम उसका जो मैनेजमेंट है वो एकदम से सेम ही मैनेजमेंट है, या मंकी के द्वारा, कौन मंकी, ठीक है, मंकी या फिर पिग है, ठीक है, मंकी या फिर पिग है, इन सब के द्वारा भी आप बाइट करें तो उसका मैनेजमेंट भी सेम है। देखो यहाँ पर बात करें दीज एनिमल आर रिजर्वर ऑफ रेबीज, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि ये एनिमल क्या है, किसके रिजर्वर होते हैं, रेबीज के, जो एक रेबीज वायरस होता है, कौन सा होता है, रेबीज वायरस, तो ये इसके रिजर्वर होते हैं, कौन, डॉग है, मंकी है और फॉक्स है, ये रिजर्वर होते हैं। और इससे क्या है, रेपडो वायरस, एक तरह से ये रेपडो वायरस होता है और इससे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते अपन इसके बाद में क्या आपको मैनेजमेंट करना है, यानी कि आपको एक्शन क्या लेना है। देखो अगर डॉग ने काट लिया तो हमें क्या करना है, एक्शन आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर, यानी कि डॉग के काटने के बाद में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर बात करें अपन, सबसे पहले बात तो हमें क्या करना है, जो विक्टिम है उसे क्या करना है, हमें वहां से हटा लेना है। विक्टिम को क्या करना है यहां से, देखो प्लेस द, ठीक है, प्लेस द सेफ प्लेस, ठीक है, प्लेस द सेफ प्लेस, यहाँ पर सेफ प्लेस कहाँ पर प्लेस करना है उसको, सेफ प्लेस को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी ये रहेगी कि पेशेंट को वहां से हमें सेफ प्लेस में, यानी कि अच्छे, यानी कि जहाँ पर सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षित स्थान है वहां पर उसको लेके जाना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, हमें वॉश वुंड विद सोप एंड वाटर अंडर रनिंग वाटर, ये आप ध्यान में रख लेना, कहाँ पर वॉश करना है उसको, अंडर रनिंग वाटर के अंडर वॉश करना है। जैसे मान लो ये वुंड है, देखो यहाँ पर डॉग ने बाइट किया तो हम क्या कर रहे हैं, उस जो वुंड है इसको किसमें, रनिंग वाटर, ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से वाटर में करना है इसको वॉश, रनिंग वाटर में। क्यों वॉश करना है रनिंग वाटर में, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। देखो अगर डॉग ने बाइट किया तो यहाँ पर क्या होंगे, वायरस जो डॉग के माउथ में अगर वायरस होंगे तो वो क्या है, अगर हम एक ही वाटर में अगर हम वॉश करेंगे तो वो वायरस वहीं के वहीं पे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे रनिंग वाटर में वॉश करेंगे ताकि वो वायरस वहां से क्या है, वॉश आउट हो जाए
और किससे वॉश करेंगे, सोप एंड वाटर से। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना यहाँ पर। और कितनी मिनट तक, 15 मिनट तक। अब वॉश होने के बाद में क्या करना है, आफ्टर क्लिंजिंग वुंड, ठीक है, आफ्टर क्लिंजिंग वुंड, ठीक है, आफ्टर क्लिंजिंग वुंड अप्लाई आइदर एल्कोहल सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। एल्कोहल सोल्यूशन कितना, 700 ml, ठीक है, 700 ml कितना पर लीटर, ठीक है, 700 ml पर लीटर वाला आपको एल्कोहल को, जो इथर एल्कोहल है उसे, ठीक है, ये कौन सा इथर एल्कोहल आता है, इथर एल्कोहल को अप्लाई करना है, ठीक है। या फिर टिंचर कौन सा, या फिर टिंचर 0.01% टिंचर को वहां पर अप्लाई करना है, किसको, एक्वा सॉल्यूशन को। तो समझ में आ गया आपको, फर्स्ट एड में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा एक्शन क्या रहेगा, जो पेशेंट है उसे हमें सेफ प्लेस में लेके जाना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो वुंड है उसे अच्छी तरह से साबुन से धोना है, कितनी देर तक, 15 मिनट तक उसको कम से कम धोना है। इसके बाद में क्या करना है, हमें केमिकल ट्रीटमेंट, जिसे कहते हैं अपन केमिकल ट्रीटमेंट, क्या कहते हैं इसे अपन, केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ में आ गया, ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हमें क्या करना है कि वहां पर या तो आइदर, ठीक है, या इधर एल्कोहल 700 ml पर लीटर वाला, या फिर 0.1% टिंचर एक्वा सॉल्यूशन वहां पर लगाना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, देखो ये स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पर ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शुड नॉट बी सूचर्ड ऑफ द डॉग बाइट वुंड, जो डॉग बाइट वुंड है, ठीक है, जहां पर डॉग ने बाइट किया है उस वुंड को क्या करना है आपको, सूचर नहीं करना है, उस वुंड को क्या करना है, सूचर सूचर नहीं करना है, यानी कि उसके अंदर टांके नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि अगर मान लो सपोज करो आपने ये इस वुंड के अंदर टांके लगा दिए तो यहाँ पर वायरस की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पर क्या है हमें, सूचर नहीं करना है और वुंड को वॉश करना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ऑब्जर्विंग, ठीक है, ऑब्जर्विंग बाइट एनिमल, ठीक है, ऑब्जर्विंग बाइट एनिमल शुड बी एटलीस्ट 10 days, हमें मिनिमम उसको 10 दिन तक उसको ऑब्जर्व करना है, किसको, एनिमल को, ठीक है। अगर 10 दिन के अंदर डेथ हो जाती है तो हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है और पूरा वैक्सीनेशन लेना है। लेकिन अभी की करंट जो गाइडलाइन है, करंट गाइडलाइन के अंदर क्या है कि अगर डॉग बाइट किया है तो डॉग बाइट करने के बाद में आपको वैक्सीनेशन लेना ही है, ठीक है, वैक्सीनेशन लेना ही है, ठीक है। पहले क्या था, अगर 10 दिन के अंदर पेशेंट, अगर 10 दिन के अंदर जो डॉग बाइट एनिमल है उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके बाद ही क्या है, वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाता था। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या करोगे, टीटी वैक्सीन, ठीक है, टीटी वैक्सीन लगाना है, कितना, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, ध्यान रख लेना ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि डॉग बाइट करने के बाद में कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, टीटिनस, ठीक है, और वो भी कितना, 0.5 ml, और कहाँ लगाया जाता है, ये इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर में भी कौन सी पे, डेल्टोइड पे, ध्यान रख लेना किसके ऊपर, डेल्टोइड, जो डेल्टोइड होता है ना, डेल्टोइड वहां पर लगाया जाता है। नेक्स्ट एंटी रेबीज सीरम एडमिनिस्टर ऑफ लोकल सीरम इन्फिल्ट्रेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो एंटी रेबीज है, ठीक है, ये आपको 24 से 48 आवर के अंदर अंदर ही आपको एडमिनिस्टर करना होता है, किसे, एंटी रेबीज सीरम, जैसे मान लो ये, मान लो सपोज करो ये इसका पेड़ है, किसका, पेशेंट का ये पेड़ है और यहाँ पर क्या है, डॉग ने बाइट कर लिया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या करना है, एंटी रेबीज सीरम यहाँ पर लगाना है। देखो सीरम अलग होता है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या है, एंटीबायोटिक देना है, कौन सी, इसमें भी सूटेबल कौन सी है, एमोक्सिलिन। नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है आपसे, रेबीज वैक्सीनेशन, उसके बाद में क्या करवाना है हमें, रेबीज का वैक्सीनेशन करना है, ठीक है, और वो भी कितनी डोज लगती है रेबीज की, ये ध्यान में रख लेना, 1 ml, ठीक है, कितनी, 1 ml, और कितनी डोजेज लगती है, 6 doses, ध्यान में रख लेना कितनी, 6 doses लगती है। मैं आपको बताता हूँ 1 ml कहाँ पे लगती है, ये भी इंट्रामस्कुलर लगती है, और किस रीजन पे लगती है, ये भी डेल्टोइड पे, ठीक है, डेल्टोइड रीजन है, डेल्टोइड जानते हो ना, यहाँ पर जो कंधा होता है ना वहां पर, इस जगह लगती है, इस जगह, ठीक है, यहाँ पर 1 ml लगाया जाता है, किसको, रेबीज के वैक्सीन को। बात कर लेते हैं इसकी जो डोज है,
कब कब लगती है? देखो इसकी जो डोजेज है, कितनी डोज बताई थी मैंने आपको, 6 डोज बताई थी मैंने आपको, ठीक है। 6 डोज में पहली डोज कब लगती है? 0 पे, दूसरी डोज 3 पे, तीसरी डोज 7 पे और चौथी डोज कितने पे? 14 पे, और पांचवी डोज 28 पर, और जो लास्ट डोज है वो कितनी, छठी डोज है वो है 19 डेज पे। देखो यहाँ 0 डेज यानी कि जिस दिन उसने काटा है उसी दिन लगवाना है, ठीक है। दूसरी 3 दिन बाद लगवाना है, फिर इसके बाद में 7 डेज बाद लगवाना है, फिर इसके बाद में 14 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद, और इसके बाद में फिर 90 दिन बाद बूस्टर डोज लगवाना है। कौन सी लगवाना है? बूस्टर डोज। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोटल रेबीज के कितनी वैक्सीन की कितनी डोज लगती है, तो कितनी लगती है? 6 डोज लगती है, और कहाँ पर लगती है? डेल्टोइड रीजन पर। तो आपको समझ में आ गया ना फर्स्ट एड, डॉग बाइट की फर्स्ट एड के बारे में आपको आपको समझ में आ गया ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन स्नेक बाइट के बारे में। स्नेक बाइट के बारे में तो आप जानते होंगे, आपने स्नेक भी देखे होंगे, लेकिन हमें प्राथमिक उपचार क्या करना है, CHO के एग्जाम का टॉपिक है, और यहाँ से भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं अपन स्नेक बाइट का, यानी बाइट बाई स्नेक टू ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन को स्नेक के द्वारा बाइट करने को हम क्या कहते हैं अपन? स्नेक बाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ बाइट ऑन लोअर एक्सट्रीमिटीज इज हाई, जो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वहां पर मेजोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है किसकी? बाइट की, ठीक है। जैसे कि पैर हैं, ठीक है, इनके अंदर, या पैर हैं या फिर अंगूठे हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके? स्नेक बाइट के। तो पॉइजन स्नेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो पॉइजन स्नेक है वो कौन कौन से हैं? देखो इंडिया के अंदर जो पॉइजन स्नेक पाए जाते हैं उसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से स्नेक पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। कोबरा, क्रेत, ठीक है, कोबरा और करेत। अब इनका जो जहर होता है वो भी आप ध्यान रख लो, इनका जो जहर होता है कौन सा होता है ये आप ध्यान रखो, इनका जो जहर होता है वो कौन सा होता है? इनका जो जहर होता है होता है न्यूरोटॉक्सिक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोबरा करेत का जहर कौन सा होता है, तो ये होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक मतलब यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? डैमेज करता है, ठीक है, डैमेज करता है किसको? नर्वस सिस्टम को, उसे कहते हैं अपन न्यूरोटॉक्सिक। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कोबरा, ये है कौन सा है? कोबरा, ठीक है, ऐसे चश्मा जैसा निशान होता है कोबरा। नेक्स्ट बात करें अपन रुसेल वाइपर या पिट वाइपर, तो रुसेल वाइपर पिट वाइपर इसका जो होता है वो कौन सा होता है? हीमेटोटॉक्सिक, यानी कि जो ब्लड होता है उसको क्या करता है? जो हीमेटोटॉक्सिक होता है, हीमेटोटॉक्सिक, ठीक है, हीमेटोटॉक्सिक यानी कि ब्लड को, जो ब्लड है ब्लड की कोगुलोपैथी कराता है, कौन? रुसेल वाइपर। ये आप देख रहे होंगे रुसेल वाइपर, ये वाला जो रुसेल वाइपर है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन हाइड्रोफिडियाज या फिर सी स्नेक, जानते हो सी स्नेक का मतलब यानी कि जो समुद्र के अंदर रहने वाले सांप, तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं मायोटॉक्सिक, ठीक है। मायोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है? ये मायोटॉक्सिक का मतलब होता है यानी कि मसल्स को डैमेज करने वाले, जो मसल्स होती है उनको डैमेज करने वाले, ठीक है, मसल्स को डैमेज करने वाले, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो मसल्स के अंदर क्या करा देते हैं? ये नेक्रोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस करा देते हैं। कौन से? ये देखो आप देख रहे होंगे ये मोस्टली ये जो समुद्र में या फिर नदियों के पानी में पाए जाते हैं, कौन से? हाइड्रोफिडेज या फिर सी स्नेक। अब इसकी आप हमें बात करते हैं अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन अपने जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट एड की। देखो फर्स्ट एड आपको क्या करना है, फर्स्ट एड के लिए एक पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये पॉइंट सबके लिए है, यानी कि प्लेस, ठीक है, प्लेस द क्लाइंट, क्लाइंट सेफ प्लेस, ठीक है, सेफ प्लेस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई सी भी इंजुरी हो या कोई सी भी फर्स्ट एड हो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट को सेफ प्लेस में पहुंचाना है, यानी कि सेफ का मतलब यानी कि वहां पर फ्री फ्रॉम इंजुरी या वो सेफ्टी पर्पज से सही हो ऐसी जगह उसे लेके जाना है। जैसे कि मान लो स्नेक ने बाइट किया तो हम वहां से पेशेंट को उठाकर दूसरी जगह लेके जाना है, ऐसा नहीं कि सांप को पकड़ने लग जाना है या आपको सांप को मारने लग जाना है। अगर आपने सांप को मारने लग गए तो समझ लो फिर पेशेंट मर जाएगा, इधर आप सांप के चक्कर में क्या है, पेशेंट मर जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि स्नेक जहां पर, या फिर वहां से पेशेंट को हमें क्या है उठा के, यानी कि पेशेंट को लेकर सेफ प्लेस लेके जाना है, ठीक है।
अगर आप सेफ प्लेस नहीं लेके गए तो हो सकता है स्नेक और भी बाइट कर सके। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है, इमीडिएटली मूव अवे फ्रॉम, ठीक है, एरिया जो जहाँ पर जो बाइटन एरिया है वहाँ से, यहाँ पर जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ, उस जगह से हमें सही जगह पर यानी कि सेफ जगह लेकर ले जाना है। नेक्स्ट बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पर जो रिमूव करना है, जैसे कि कोई रिंग है, ब्रासलेट है या ETC, जैसे मान लो सपोज करो कि रिंग और ब्रासलेट अगर पहना हुआ है तो उनको हमें क्या है, हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि अगर हमने नहीं हटाए उनको तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। अगर स्वेलिंग हो जाएगी तो फिर बाद में वो क्या है, जो वीनस ब्लड फ्लो उसको अकल्ट करेगी और बाद में हो सकता है वहाँ पर नेक्रोसिस के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले ही उन चीज़ों को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट ये है कि रीअश्योर द विक्टिम मैनी स्नेक बाइट आर नॉन वीनस। भाई देखो, हमें क्या है कि स्नेक ने बाइट कर लिया, आपको भी पता है, पेशेंट को भी पता है, लेकिन पेशेंट को ये बोलना है कि भाई जो सांप होते हैं सभी सांप में जहर नहीं होता है, भले जहर वाले ने काटा हो तब भी आपको यही बोलना है कि सभी सांप में जहर नहीं होता है और सांप के काटने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे बोलने से पेशेंट के अंदर क्या होता है, विलनेस पावर होती है, ठीक है, विलनेस पावर यानी कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को, किसकी वजह से, मतलब जो डर की वजह से, स्नेक बाइट के डर की वजह से। तो हमें पेशेंट को अश्योर करना है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम सांप के अंदर जहर नहीं होता है, ऐसे बताना है, ठीक है, ताकि पेशेंट की एंजाइटी कम हो। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इमोबिलाइज द पर्सन कंप्लीटली स्प्लिंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो जिस जगह मान लो स्नेक ने बाइट किया है उसे कंप्लीटली इमोबिलाइज करना है। देखो देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखो यहाँ पर यहाँ बाइट के निशान है, तो इसको क्या किया, यहाँ पर इमोबिलाइज कर दिया। देखो यहाँ पर स्प्लिंट लगा दिया, क्यों कर रहा है इमोबिलाइज, क्योंकि देखो अगर आपने इमोबिलाइज नहीं किया तो ज़्यादा मोबिलाइज होने से क्या है, जो वहाँ का विनोम है यानी कि जो किसका, स्नेक का पॉइजन है, वो जल्दी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, उसको मोबिलाइज नहीं करना है। दूसरी बात क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस अंग में काटा है कीप द लिंब लोअर देन हार्ट। हमें जिस अंग में उसने काटा है या जिस लिंब में उसने काटा है उसे हमें हार्ट से नीचे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, नेवर यूज टाइट टर्निक्वेट, हमें कभी भी टाइट टर्निक्वेट नहीं बांधना है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर स्नेक ने बाइट किया है और आपने इतना टाइट टर्निक्वेट बांध दिया बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर क्या है, नेक्रोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं, नेक्रोसिस के। तो ज़्यादा टाइट टर्निक्वेट भी आपको नहीं करना है। अप्लाई प्रेशर विद पेड, ठीक है, अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको वहाँ पर क्या है, प्रेशर अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है वहाँ पर, प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड ट्रेडिशनल मेथड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक गाँव में यही चल रहा है, कोई भी अगर सांप काट दे तो वहाँ लेके जाना और यहाँ लेके जाना, उस देवता के यहाँ पे लेके जाना है या उस मंदिर में लेके जाना, तो ये सारी सब ट्रेडिशनल जो भी ट्रेडिशनल है इन्हें आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आपके चक्कर में पेशेंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। यानी कि हमें ये ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें इनको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट टू द पेशेंट एज सून एज पॉसिबल टू हॉस्पिटल, जितना भी संभव हो सके बिना देरी किए हमें पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है, नहीं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अवॉइड गिविंग ओरल फ्लूड आफ्टर बाइट, ठीक है, इफ पेशेंट हैव वॉमिटिंग, ठीक है, देन क्या करना है अपन, लेफ्ट लेटरल पोजिशन प्रोवाइड। हमें पेशेंट को अगर किसी स्नेक ने बाइट कर लिया तो उसे फ्लूड देने से रोकना है, क्योंकि अगर आपने फ्लूड दोगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को कभी वॉमिटिंग होगी और वॉमिटिंग की वजह से क्या हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से एस्पिरेशन के चांसेज हो सकते हैं। किसके चांसेज हो सकते हैं, एस्पिरेशन के। तो इसीलिए जितना भी संभव हो सके उतना हमें फ्लूड को अवॉइड करना है। अगर वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को तो क्या करना है, उसको लेफ्ट लेटरल पोजिशन दे देना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर पेशेंट को वॉमिटिंग होती तो कौन सी पोजिशन देंगे अपन, लेफ्ट लेटरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लोजली मॉनिटर एयरवे ब्रीथिंग।
हमें क्लोजली पेशेंट का एयरवे ब्रीथिंग को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां से आप इसको, ये तो अपना हो गया, यहां पर ये अपना जो जो भी है ये सब क्या है, फर्स्ट एड है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ में आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ, हॉस्पिटल में क्या मैनेजमेंट करते हैं, ताकि अगर वहां से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टीटी का वैक्सीन लगाना है। किसका लगाना है? टीटी का वैक्सीन लगाना है। वो भी कितना लगाना है? 0.5 ml। ठीक है, आपको पता है 0.5 ml, और कौन सा? एंट्रा मस्कुलर, ध्यान रख लेना, एंट्रा मस्कुलर। ठीक है, इसके बाद में वूल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 20 WBCT टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ये वूल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है किसके लिए, ये स्नेक पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो स्नेक पॉइजन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, देखो स्नेक पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जैसे कि वो न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, या फिर हीमोटॉक्सिक है। ठीक है, कैसा? हीमोटॉक्सिक है, ये दोनों आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक या फिर हीमोटॉक्सिस। देखो इसमें क्या करते हैं, एक वाइल लेते हैं, ठीक है, एक ये वाइल ले लिया, और वाइल के अंदर क्या कर लेते हैं, ब्लड भर लेते हैं, कितना? 1 to 2 ml। ठीक है, कितना? 1 to 2 ml, और 20 मिनट के लिए उसे अपन रख देते हैं। कितने के लिए रख देते हैं उसे? 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम वाइल को देखते हैं, अगर ब्लड क्लोट हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, हो जाता है ब्लड अगर क्लोट हो जाता है तो इसका मतलब नॉर्मल है। ठीक है, अगर ब्लड क्लोट नहीं होता है तो इसका मतलब हीमोटॉक्सिक विनोम है, यानी कि रुसेल वाइपर का विनोम हो सकता है। नेक्स्ट, एंटी विनोम इंजेक्शन देते हैं। देख लो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो एंटी विनोम इंजेक्शन देते हैं इसमें भी तीन कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इन तीन कंडीशन में हम देते हैं, तो अगर माइल्ड है तो 5 vials हम देंगे, किसमें? 50 ml NS। देखो इसको दो चीज में दे सकते हैं हम, NS में भी दे सकते हैं और D5 में भी दे सकते हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं? D5 को, D5 यानी कि डेक्सट्रोज 5% को। अगर ये कितने में देंगे अपन, इसका ड्यूरेशन मैं आपको बताता हूँ, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 hour। कितना है इसका, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 1 hour है, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 hour। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 1 hour, 1 hour के अंदर हमें देना है। ठीक है, अगर मान लो मॉडरेट, मॉडरेट कंडीशन है, यानी कि जो पेशेंट की जो कंडीशन है मॉडरेट है, तो हम कितना देंगे? 5 to 10 vials। ठीक है, 10 vials दे सकते हैं, 5 to 10 vials दे सकते हैं। ठीक है, और वो भी किसमें? 50 से 100 ml, या तो डेक्सट्रोज या फिर नॉर्मल सलाइन के अंदर। अगर सीवियर है तो हमें कितना देंगे? 10 to 20 vials। आप देख रहे होंगे ये एंटीविनोम है, ऐसा इंजेक्शन आता है एंटीविनोम का, और किसमें देंगे? 200 ml D5 या फिर NS में। ठीक है, नॉर्मल सलाइन में, तो ध्यान में रख लेना, ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन हो जाती है, देखो एंटीविनम से भी क्या होता है, रिएक्शन होती है, एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन हो सकती है। अगर एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन हो जाती है तो आपको क्या करना है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो जाती है तो क्या करना है, कौन कौन से मेडिसिन यूज करते हैं एनाफाइलेक्सिस में? देखो एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन 1:1000, ठीक है, 1:1000 एड्रेनलिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, हाइड्रोकोर्ट, ठीक है, और इसके बाद में एविन। ठीक है, ये हमें किसमें? एनाफाइलेक्सिस, जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकती है ना, फाइलेक्सिस रिएक्शन के अंदर, किससे? कई बार क्या होता है, हम एंटी स्नेक विनम से एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये हमें यूज करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आफ्टर डॉग बाइट ऑल आर डूइंग एक्सेप्ट, देखो ये क्वेश्चन आपको, अब आंसर आपको देना है, आफ्टर डॉग बाइट ऑल आर डूइंग एक्सेप्ट, वॉश वुंड इमीडिएटली, टीटी वैक्सीन, सूचरिंग द वुंड, प्लस से प्लस, ठीक है, ऑफ विक्टिम। तो क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर डॉग बाइट के बाद में हमें क्या करना है, एक को छोड़कर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो
यानी कि हमें क्या करना है बताओ। तो यहां पर देखो हमें सूचरिंग नहीं करनी है, जो वुंड की सूचरिंग नहीं करनी है, बाकी हमें सब करना है ठीक है। हमें वुंड को वॉश भी करना है, टीटी वैक्सीनेशन भी लगाना, लेकिन हमें सूचरिंग नहीं करना है। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा अपने यहाँ पर तीसरा वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि विच वैक्सीन इज गिवन इमिडिएटली आफ्टर डॉग बाइट, यानी कि कौन सा वैक्सीन है जो डॉग बाइट के बाद में हम इमिडिएटली देते हैं। तो कौन सा वैक्सीन है वो बताओ फटाफट, आपका जवाब दो। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है टीटनस टॉक्सॉइड। देखो टीटी वैक्सीन लगाते हैं इमिडिएट आफ्टर डॉग बाइट पर। नेक्स्ट एंटी विनम यूज्ड, ये कई एम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स में भी पूछा हुआ है और एमपीसीएचओ में भी पूछा हुआ है। एमपीसीएचओ का एग्जाम था उसमें पूछा था कि एंटी विनम किसमें यूज करते हैं, तो किसमें यूज करते हैं बताओ। अभी मैंने बताया था इसे यूज करते हैं अपन स्नेक बाइट में, तो अपने यहाँ पर सही आंसर है वो है तीसरा वाला ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कोबरा विनोम इज, देखो कोबरा विनोम कैसा होता है, तो कौन सा होता है कोबरा विनोम, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब आपको देना है। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है न्यूरोटॉक्सिक, कौन सा होगा न्यूरोटॉक्सिक। देखो मैंने आपको बताया था कोबरा का और किसका होता है करेत ठीक है, कोबरा का और करेत का दोनों का कौन सा होता है न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक होता है किसका, कोबरा का और करेत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ फर्स्ट एड स्नेक बाइट ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य फर्स्ट एड ऑफ स्नेक बाइट का, अप्लाई टाइट टर्निकेट टू प्रिवेंट स्नेक पॉइजन, चक बाय माउथ टू रिमूव स्नेक पॉइजन एट बाइट साइट, कीप द बाइट एक्सट्रीमिटीज बिलो द हार्ट, यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन आफ्टर इमिडिएटली। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है ट्रू, सत्य क्या है, तो यहाँ पर ये अपना है वो है कीप द बाइट एक्सट्रीमिटीज बिलो द हार्ट, यानी कि जो भी बाइट एक्सट्रीमिटीज है उसे हमें क्या है हार्ट से नीचे रखना है। देखो माउथ से शक नहीं करना है आपको, ध्यान में रख लेना, माउथ से कभी शक नहीं करना है, पता चले पेशेंट तो बच गया और आप उड़ गए, तो इसे कभी भी माउथ से शक नहीं करना है, यानी कि माउथ से उस जगह कभी भी नहीं चूसना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो सही लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिए, और ये जो नोट्स हैं इन नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है मैंने अभी आपको बताया था वहाँ उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।